टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। बच्चों की फीस भरने में अभिभावकों को हो रही परेशानी, फीस कम करने की उठ रही है मांग। लॉकडाउन के बाद से ही जहां कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, तो अब कई परिवार वाले हैं जिन्हें नहीं पता है कि वो अपने बच्चों के स्कूल की फीस कैसे भरेंगे। ये सवाल तो है ही। आज मुमरा के रसीद कंपाउंड के समीप सीएम बोसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल के बाहर सैकड़ों पेरेंट्स जमा हुए। मुद्दा वही फीस को लेकर कई पेरेंट्स ने इस स्कूल मैनेजमेंट पर कई सवाल उठाए। कोई कह रहा है फीस बढ़ाया गया है, किसी की मांग है 50% फीस कम करो, तो कोई टीचर और ऑनलाइन स्टडी पर सवाल उठाया। आज पेरेंट्स इसी मुद्दे पर जमा होकर मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, लेकिन पेरेंट्स का कहना है 2 घंटे बात चली, चर्चा हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। सुनिए क्या कहा है बच्चों के पेरेंट्स ने उनकी शिकायत में। आज आप लोग यहां पर आए सीएम बोसिस में, क्या मुद्दा लेकर आप लोग आए हैं, क्या मांग है? मांग यही है कि ये लोगों ने फीस की बढ़ोतरी करी है और पहले जो फीस थी उसे 500 रुपया प्लस करके बढ़ाया है, प्लस भी बस फीस भी बढ़ाया है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ एक अमाउंट कम कर उन्होंने कहा है कि इतना फीस भरना ज़रूरी है। फोर्स तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फीस का जो है स्ट्रक्चर दे दिया गया है और बोल रहे हैं कि आपको ये भरना ही पड़ेगा और LC निकालने का कोई ऑप्शन भी नहीं दे रहे। जब आप लोग अभी एक साथ आए 2 घंटे से यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में क्या निकल कर आया है, मतलब कि मीटिंग में कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, क्योंकि वो सिर्फ कोविड का नुकसान बता रहे हैं। कोविड से क्या नुकसान हुआ लोगों को वो नहीं बता रहे हैं। जैसे कि कोविड से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा, सैलरी जो सैलरी नहीं मिल रही है, जॉब लॉस हुआ है, उसके बारे में बात नहीं हुई। और इसी के लिए आया कि फीस जो है कुछ कम करी जाए, 50% कर दी जाए, तो हम वो भरने के लिए रेडी हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हम टोटली फीस नहीं भरेंगे, और जो अदर चार्जेस लगाया गया है उसको रिड्यूस करके हम 50% या ट्यूशन फीस भरने को तैयार है। पैसा नहीं देंगे क्योंकि आधा साल निकलने वाला है, हमारे पास पैसा नहीं है, बच्चों कुछ पढ़ाई नहीं करें तो हम स्टेशनरी करेंगे क्या, और फीस हम लोग कहाँ से भरे। इन लोगों ने फीस जो 1700 थी वो 1900 रुपए कर दिए, हर बच्चे के ऊपर हर महीने 200 रुपए बढ़ा दिए गए, खाने को नहीं है, कहाँ से लेके आएंगे फीस भरने को। जब तक ये लॉकडाउन है आप हमारी 50% जो मतलब ट्यूशन फीस है वो माफ़ कर दीजिए, और जैसे लॉकडाउन खत्म होता है जो आपकी फीस बनती है वो आप लीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे, जब हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं रहे तो हम किस बात की फीस देंगे। तो अभी आपसे बात हुई तो मतलब क्या वहाँ से क्या रिजल्ट निकल गया? पूरी बात नहीं हुई, बात करी नहीं, अंदर तक जाने नहीं दिया। हम बाहर खड़े हुए हैं, जब से आप लोग भी देख रहे हैं 2 घंटे से खड़े हुए हैं, पेरेंट्स कहाँ हमको अंदर जाने। अभी आप बता रहे थे कि कॉन्वेंट इस जो है नाम लगाया गया है उसको हटा देना चाहिए, क्या क्यों कह रहे थे ऐसा, क्या मतलब? क्योंकि बच्चे कौन, आप खुद आके देखिए बच्चे कितनी इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं, बच्चों को जो चीज़ मिलना चाहिए स्कूल से वो तो मिल ही नहीं रही है ना। हम हर बार ये सोचते हैं शायद अगली बार अच्छा हो जाएगा मैनेजमेंट, अगली बार टीचर अच्छी हो जाएगी, स्कूल में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सिंपल से स्कूल का जो पहले स्टैंडर्ड लेवल था, जो सोच के हम लोग इस स्कूल में आए थे, वो अब नहीं मिल रहा, आगे मिलेगा ये ऊपर वाला था। और टीचर्स लोग ऐसे हैं, हर 2 महीने में टीचर्स चेंज होती है, और उनकी लैंग्वेज औकात देते नहीं है पढ़ने के लिए, औकात नहीं होती तो हम लोग इस स्कूल में डालते क्यों? ये टीचर्स औकात भी बंद करते हैं, ऐसे रफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं जैसे कोई रिक्शा चलाता है ना, वो भी नहीं करता होगा, ऐसी रफ लैंग्वेज मालूम है कौन से टीचर इन लोगों ने रख रखी। तो फिलहाल आज बात नहीं हुई है कुछ भी? कुछ नहीं हुई है, कोई हमें दिलासा नहीं दिया गया, फीस माफ होगी, स्टेशनरी नहीं ली जाएगी, कुछ नहीं। कितनी फीस बढ़ा के मांग रहे हैं ये लोग? ये लोग ने हम लोग को 26% फीस मतलब करी है, हम लोग का मुद्दा ये है कि 50% फीस कम की जाए। अभी वो लोग बात कर रहे थे 50% कुछ कम करने वाले, तो ऐसा कुछ दिलासा नहीं मिला? उन्होंने बोला है 2 फॉर्म दिया गया है, आप इस पर साइन करके दो, आपकी क्या क्या कंडीशंस है। तो हमने कहा ये हम लोग कुछ गिनती के मैं पेरेंट्स हैं, बाकी पेरेंट्स तो घर में हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसलिए किसी पेरेंट्स ने अभी कोई फॉर्म फिलअप करके नहीं दिया है कि मतलब क्या मांगे है। और आज आपसे जिससे बात हो रही थी वो कौन है, मतलब कौन आए थे यहाँ सीएम बोसिस से मैनेजमेंट में, कौन है वो? वो पप्पू सर की बड़ी बेटी। अच्छा, वो अभी यहाँ पर आप लोग को गाइड कर रहे थे? हाँ, वो बात कर रहे थे। ऑनलाइन सब स्कूलों में क्लासेस जून से चालू हो गई थी, इन लोगों ने कभी चालू करी पढ़ाई? इन्होंने अगस्त के लास्ट में करी है, अगस्त के बाद में चालू करी है। वो भी सिर्फ असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट कुछ होता नहीं है, कुछ टीचर समझाती नहीं है, सिर्फ वीडियो आती है, असाइनमेंट आते हैं, बच्चे सुनते हैं, वो असाइनमेंट पूरा करके सबमिट कर दिया जाता है, इस तरीके की पढ़ाई हो रही है।
आज मैं यहाँ 10 साल से हूँ, मेरा ये तीसरा बच्चा है। हमने कभी फीस के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, हर साल भरी है क्योंकि अपने बच्चे को एजुकेशन मिलती थी, लेकिन इस बार एजुकेशन नहीं मिली है तो हम किस बेस में फीस पेमेंट करें, क्योंकि इस बार हमारे पास है ही नहीं, कहाँ से भरेंगे। हाँ, और एजुकेशन भी नहीं है तो ये तो दुख होता है ना कि मिल कुछ नहीं रहा है। जब हम किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं तभी तो पैसा देते हैं ना कि आगे वाले को, जब हमको स्कूल से कुछ मिल ही नहीं रहा है तो हम किस बात का पैसा दें उसको। इससे पहले जो पुराना स्टाफ था बहुत अच्छा था, क्योंकि दो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ के गए हैं, एक अभी इस टाइम पे फार्मेसी थर्ड ईयर में है और एक मेरी बेटी BMS कर रही है, क्लासिकल फर्स्ट ईयर, दोनों इंग्लिश टॉकिंग है। अभी जो मेरा छोटा बेटा है वो 8th में है, वो तो इंग्लिश ढंग से रीडिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, वो टॉकिंग की तो दूर की बात है। स्टाफ पहला वाला एक स्टाफ नहीं है, अब ये नया स्टाफ आता है और जो 2 महीने रुकता है 3 महीने में चला जाता है, 4th महीने में दूसरी टीचर आती है, फिर वो चली जाती है। फिर आज हमारे आए थे हम लोग पेरेंट्स जो भी ये बात करने के लिए हमारे पॉइंट से कुछ, जो कि पहला जिसमें ये था कि भाई हमको फीस का इशू है, फीस जो है वो दिया गया वो काफ़ी बढ़ा के कोविड के हिसाब से नहीं होना चाहिए, उस पर फिर से आप कंसिडर करिए और उसको स्लैश करिए एज पर कंडीशन, बिकॉज आपकी बात एक्सेप्ट की है क्या मैनेजमेंट। उसके बाद हमारे जो पॉइंट्स है हमने वो रखे तो एक कॉमन पॉइंट अग्री हुआ, उसको उन्होंने कहा ठीक है, बाद में वो पलट गए, बाद में हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग ये एक कॉमन मेमोरेंडम बना के सर को दे देंगे, स्कूल मैनेजमेंट को देंगे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को देंगे और जो लीगल अथॉरिटीज एजुकेशन के उनको देंगे। तो आपने सुना पेरेंट्स की ये शिकायत है और CM बोसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल के चेयरमैन कहें या जिम्मेदार कहें, पप्पू सर वो नहीं थे और ना ही इस पूरे मामले में पूछे जाने पर मैनेजमेंट ने पत्रकारों से बात की, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स ने एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें सभी पेरेंट्स ने अपनी दस्तखत की है, फीस की शिकायतों को लेकर यहां तक मुमरा पुलिस को भी शिकायत पत्र देंगे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।